की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 नवंबर 1984 को जगदीश टाइटलर दिल्ली के गुरुद्वारे फूलबंशन के पास मौजूद नहीं थे, जहां दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय टाइटलर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास पर थे। अभियोजन ने कहा कि सीबीआई ने निचले अदालत के आदेश पर मामले की फिर से जांच की, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिले। दिल्ली के अरबपति कारोबारी और बीएसपी के नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस के मामले में दिल्ली की अदालत ने आज इस मामले के आरोपी दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश और उसके सहयोगी बलजीत सिंह सेरावत को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि अभी इस मामले में खुलासा करना बाकी है और पैसे के लेन देन को लेकर भी पूछताछ करना है, जिसके लिए दोनों आरोपियों की रिमांड पुलिस को चाहिए। अदालत ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में कहा है कि हत्या के पीछे के मुख्य कारण और पैसे के लेन देन का भी और खुलासा करना बाकी है, जबकि नितेश के वकील ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और कहा कि नितेश पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं, फिर भी उन्हें हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि दीपक भारद्वाज के बेटे नितेश पर अपने पिता की हत्या की साजिश रखने का आरोप है। दिल्ली पुलिस बाबा प्रतिभानंद की तलाश में लगातार छापे मार रही है। कत्ल के ठीक 3 दिन पहले एक महंत अपने बाल कटवाता है, दाढ़ी साफ कर लेता है और अपना पूरा हुलिया पूरी तरह से बदल लेता है। इसके बाद जैसे ही दीपक भारद्वाज को गोली मारने वाले दोनों शूटर पकड़े जाते हैं, वो महंत अचानक गायब हो जाता है। अब इस महंत प्रतिभानंद की तलाश दिल्ली पुलिस को है। आपको बता दें कि अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या की सुपारी लेने वाला महंत प्रतिभानंद मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन वह हरिद्वार के कनखल इलाके के एक आश्रम और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रहता था। पुलिस का कहना है कि प्रतिभानंद की गिरफ्तारी के बाद इस मामले के रहस्य से कुछ और पर्दे उठेंगे। विकिलीक्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक नया और सनसनीखेज खुलासा किया है। विकिलीक्स ने दावा किया है कि 1974 में पोखरण में हुए भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने पाकिस्तान को परमाणु तकनीक देने की पेशकश की थी। इंदिरा गांधी ने संसद में अपने बयान में कहा था, मैंने अपनी चिट्ठी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को इस परीक्षण के शांतिपूर्ण और आर्थिक मकसद की जानकारी दी और अगर वो चाहें तो हम अपनी परमाणु तकनीक पाकिस्तान के साथ साझा करने को तैयार हैं, साथ ही यह तकनीक दूसरे देशों के साथ भी साझा करने को तैयार हैं, ताकि सब देशों के बीच इस मसले पर आपसी भरोसा और समझ कायम की जा सके। हालांकि भुट्टो ने इंदिरा गांधी के इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि भारत ने पहले भी कई आश्वासन दिए थे, लेकिन उन पर वो खरा नहीं उतरा। भुट्टो ने कहा कि परमाणु परीक्षण किसी परमाणु हमले से कम नहीं है। गौरतलब है कि भारत द्वारा दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद मई 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में शहीद हुए 5 भारतीय सैनिकों में से एक एक उत्तराखंड और यूपी के भी सपूत हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन सैन्य कर्मियों की हत्या पर गहरा दुख जताया है। नायब सूबेदार शिव कुमार पाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि लांस नायक नंद किशोर जोशी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। इन शहीदों का शव आज रात दिल्ली लाया जाएगा। गौरतलब है कि दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान भारतीय सैनिकों के 32 सदस्यीय काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत भारत के कुल 5 जवान शहीद हो गए थे। सूडान में इन दिनों 2 बटालियनों के 2200 जवान अपनी सेवा दे रहे हैं। योजना भवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ हुई घटना के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन करके दीदी का हालचाल पूछा तो वे संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने उनसे माफी मांगी। कमलनाथ ने कहा, जो कुछ भी ममता बनर्जी के साथ हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उनसे बात करेंगे। इस बीच ममता बनर्जी के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी दिल्ली में अपनी सारी मीटिंग रद्द करके दोपहर 2 बजे करीब कोलकाता रवाना हो जाएंगी। इससे पहले घटना के बाद मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ममता बनर्जी को फोन कर घटना पर खेद जताया था और साथ ही उनका हालचाल पूछा था। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा था। मंगलवार को दिल्ली में अपने मंत्री के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को जमकर खरी खोटी सुनाई। कुंडाकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने राजा भैया के बैती गांव के जिला पंचायत सदस्य घनश्याम और पूर्णामऊ से प्रधान राम आश्रय सहित आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं प्रतापगढ़ प्रधान नन्ने लाल की हत्या का मुख्य आरोपी कामता पाल फरार हो गया है। कामता पाल को सीबीआई हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई कामता पाल की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कामता पाल ने 17 मार्च को आत्मसमर्पण किया था।
2 मार्च को सीओ जियाउल हक, प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई सुरेश यादव को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसकी जांच सीबीआई पिछले 40 दिनों से कर रही है। प्रतापगढ़ के सीओ जियाउल हक हत्याकांड के बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई की सिफारिश पर 111 पुलिस कर्मियों के तबादले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है। डिप्टी एसपी जियाउल हक की कुंडा प्रतापगढ़ में हत्या के बाद वहां के 4 थानों की पुलिस को हटाने के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा है कि वो हलफनामे के मार्फत स्पष्ट करें कि कुंडा सर्किल के 4 थानों की स्थानांतरित पुलिस फोर्स में से कई पुलिस वालों का तबादला क्यों नहीं किया गया, जबकि सीबीआई ने सरकार व डीजीपी से सभी पुलिस कर्मियों के तबादले की सिफारिश की थी। न्यायालय ने सरकारी वकील से ये भी कहा है कि वो सारे रिकॉर्ड जो सीबीआई ने प्रदेश सरकार व यूपी डीजीपी को इन पुलिस कर्मियों के तबादले के अनुरोध का किया था वो कोर्ट में पेश करें। कुंडा सर्किल के 4 थानों की उन पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं किया गया जो राजा भैया के करीबी हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी इन दिनों एक नई उलझन में फंस गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने कुछ मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उनमें से कई मंत्री लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दरअसल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद मुलायम सिंह यादव का सिर्फ एक ही सपना है कि कैसे लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में इजाफा हो। दरअसल लगातार जहां पार्टी उम्मीदवारों में बदलाव कर रही है, वहीं सूत्रों का दावा है कि अब यही मंत्री लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में आखिर कैसे लोकसभा में मुलायम का सपना साकार होगा। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बलराम यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह पटेल बनारस की सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पार्टी का दावा है कि अगर मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष का ये दावा है कि ये मंत्री सरकार बनने के बाद जो कुछ भी घटित हुआ है उसका सामना नहीं करना चाहते। सपा की सियासी जमीन खिसकने लगी है और ये मंत्री इस बात को जानते हैं कि अभी सरकार के 5 साल बरकरार हैं, तो क्यों पसीना बहाया जाए, बल्कि मंत्री बनकर मौजी की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर मंत्री लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर पार्टी के कद्दावर नेता ही रणछोड़ बन जाएंगे तो आखिर मुलायम की दिल्ली यात्रा कैसे पूरी होगी। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के साथ नहीं हुआ था दुराचार, लेकिन पुलिस के अमानवीय कृत्य पे कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद सरकार का रुख सख्त। बुलंदशहर में हुए नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट की जांच नेगेटिव आई। उधर बुलंदशहर के एसपी की जांच और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद बुलंदशहर के संवेदनहीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा संवेदनहीन पुलिस वालों को नहीं बख्शा जाएगा, जांच होने के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद अपने हाथ में ली हैं। तभी तो हर रोज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का गुरुमंत्र देती हैं और बयानबाजी पर नसीहतें भी। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इस बात को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। कभी यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है का नारा देने वाली मायावती के हाथों से भले ही यूपी की सियासत छिन गई हो, मगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की चाह दिल में गुलाचे भर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जानती हैं कि अगर दिल्ली का सफर तय करना है तो जमीन पर मेहनत करना होगा। तभी तो लोकसभा चुनाव की तारीखें और समय को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, मगर बसपा सुप्रीमो जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं और उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन टीचर और अभिभावक की भूमिका में आ गई हैं और डाल दिया है लखनऊ में डेरा। हर रोज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। पहले से तय उम्मीदवार जिसके चुनावी समर में जीतने पर संदेह है फौरन उस उम्मीदवार को बदल रही है। पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को खोज खोज कर निकाला जा रहा है। बसपा में बेहतरीन रोल अदा करने वाले बसपा कोऑर्डिनेटर की हर रोज क्लास लगाकर सीख दी जा रही है। चुनाव आम जनता का दिल जीतने का तरीका सिखा रही हैं बहन जी। इतना ही नहीं, लखनऊ में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बसपा के नेता और कार्यकर्ता बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी लेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तेज कर दिया है बैठकों का दौर। मुख्यमंत्री ने वस्त्र और रेशम उद्योग के अलावा कृषि नीति, वैकल्पिक ऊर्जा और माध्यमिक शिक्षा विभागों की भी बैठक ली। खास बात यह है कि इन बैठकों में अफसरों के अलावा विधायकों को भी बुलाया गया, विधायकों से फीडबैक ली गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने अधिकारियों और विभागों की बैठक ली। रेशम और वस्त्र उद्योग की समीक्षा बैठक में अफसरों से साड़ी कंबल बांटने जैसी योजना में कोऑर्डिनेशन करने के निर्देश दिए। साथ ही बुनकरों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर कई अफसरों और विधायकों के साथ बैठक की गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने विधायकों को बुलाया। इस बैठक में सीएम ने एक कमेटी बनाई है जो यूपी के एडेड और वित्तविहीन कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों को नियमित करेगी। वित्तविहीन शिक्षक और बुनकर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सोलर एनर्जी में काम होता है तो ये भी मुख्यमंत्री के लिए उपलब्धि ही होगी और मुख्यमंत्री को अगले साल होने वाले चुनाव की फिक्र भी है। नवंबर में लोकसभा चुनाव को मानकर चल रही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव तैयारियां तेज कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सूची 30 अप्रैल तक बना डालने का दावा किया है, साथ ही साथ 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का भी गठन किया है जो गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं पर लगाम कसेगी। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं की रैलियों का तिथि भी निर्धारित कर दिया है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें आगामी चुनाव के लिए पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बनाना मुख्य लक्ष्य था। आइए बताते हैं इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले हुए। 30 अप्रैल तक पार्टी के सभी कार्यकर्ता सूचीबद्ध होंगे। मई में गांव-गांव, गली-गली चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीजेपी और विपक्षी दलों का तुलनात्मक अध्ययन होगा। लोकसभा में प्रत्याशियों का जनता के बीच संवाद स्थापित करना, 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन जिसके पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह सिरोही होंगे चेयरमैन, 16 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन जिसमें सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रियों का हिस्सा होगा, 1 मई को बरेली बदायूं रोड पर राजनाथ सिंह की विशाल रैली का संबोधन, 12 मई को सहारनपुर में राजनाथ सिंह करेंगे रैली को संबोधित, 15 मई को लखीमपुर खीरी में नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज करेंगी रैली का संबोधन, जून में सुषमा स्वराज बहराइच में एक रैली को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती जहां अंतर्कलह को लेकर है, उसी को साथ देखते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 5 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन भी किया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह अनुशासन समिति बेलगाम नेताओं पर कितना कमर कस पाती है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से फरार हो गया है बलखड़िया डकैत। जी हाँ, पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ज्यादा 5 लाख इनामी डकैत बलखड़िया डाकू है, जो कि यूपी पुलिस की वेबसाइट की लिस्ट में नहीं है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड सूची अपडेट नहीं की गई है। इस साइट पर बलखड़िया डकैत का नाम ही नहीं है, जबकि अवधगढ़ ही उसे प्रदेश का मोस्ट वांटेड कहते हैं। जिस पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में बलखड़िया डकैत का नाम ही नहीं है, वो पुलिस कितनी सचेत होगी और वो बलखड़िया डकैत को खोज निकालेगी, आप इसी का अंदाजा लगा सकते हैं। कानपुर के जो इलाके में अरसे से चल रही असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है, इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस को भारी मात्रा में औजार भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक असलाह बनाने का काम एक मकान के अंदर अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी तमंचे और रिवॉल्वर यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सप्लाई करते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गयी है। एक परिवार की कर दी गयी नृशंस हत्या और पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। मामला लखनऊ के मणियाओं इलाके का है, जहां एक परिवार की बेदर्दी से हत्या कर दी गई और इसका पता तब चला जब 3 दिन पुरानी लाशों की वजह से पूरे इलाके में गंध फैल गई। मणियाओं थाने के प्रीति नगर में नाक दबाए खड़ी भीड़ देखकर पता चलता है कि कोई बड़ी वारदात इलाके में घटित हुई है। भारी पुलिस बल और आला अधिकारियों की मौजूदगी भी मामले की गंभीरता बताती है। मणियाओं के प्रीतिनगर में रहने वाले गुड्डू पेशे से राजमिस्त्री था और पत्नी सिलाई का काम करती थी, साथ में 5 साल का छोटा बच्चा भी था। गुड्डू का छोटा सा परिवार एक दुकान को किराए में लेकर गुजर बसर कर रहा था, लेकिन कल से उनके घर के बाहर कोई हलचल नहीं हुई। आज सुबह जब पड़ोसी नींद से जागे तो दुकान के आसपास बदबू आ रही थी। इसके बाद मकान मालिक ने स्थानीय लोगों को बुलाया और दुकान का शटर उठाया गया। कुछ अनहोनी की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी और पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शटर खोला तो तीनों का शव एक दूसरे पर पड़ा हुआ दिखा।
देखने से ही साफ पता चल रहा था कि तीनों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दुकान से निकले एक ही परिवार के तीन शवों को देखकर जहां पूरे इलाके में दहशत फैल गई है, वहीं पुलिस को सबूत ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए